मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं अपने विशेष रूप से सिटेट के छात्रों के लिए उनके कहने पर एक विशेष वीडियो संस्कृत पदखंड पर आधारित आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देखिए, अन्य सभी पद्यखंडों से अलग आपका पद्यखंड का अभ्यास से संबंधित जो है मॉडल है, इसको आप विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखें। मित्रों, नत्वाम सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहं पाणिनी अप्रवेशाय लघु सिद्धांतकौमुदीं। नत्वाम सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहं पाणिनी अप्रवेशाय लघु सिद्धांतकौमुदीं। मित्रों, इसमें देखिए कई प्रश्न बनते हैं। यह आपका लघु सिद्धांत कौमुदी जो है व्याकरण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का वंदना परक श्लोक है। वंदना परक श्लोक सरस्वती देवी की वंदना की गई है। नत्वाम सरस्वतीं देवीं, सरस्वतीं देवीं नत्वाम, काम सरस्वतीं देवीं शुद्धाम गुणयाम युक्ताम, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वतीम देवी नत्वाम, सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं वरद राजाचार्य करोमि अहम। अहम माने मैं, अहम शब्दस्य प्रयोगः, अहम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कस्य निमित्तः कृतः, किसके निमित्त किया गया है। तो मित्रों, अहम शब्द का तात्पर्य यहां पर है मैं वरद राजाचार्य। वरद राजाचार्य जी कह रहे हैं कि पाणिनि महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है, प्रवेश आए उसमें प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी रूपी ज्योत्सना का मैं निर्माण कर रहा हूं, ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए हे सरस्वती माता, मेरे द्वारा रचित यह मेरा ग्रंथ जगत में स्वीकार्य हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। अस्मिन् श्लोके कस्य वंदना कृताः, अस्मिन् श्लोके कस्य वंदना कृताः, इस श्लोक में किसकी वंदना की गई है। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी है उसमें तो भगवान शंकर की वंदना की गई है, लेकिन इसमें सरस्वती देवी की वंदना की गई है। मित्रों, इसलिए न शंकर होगा, न पंडित होगा, न विष्णु होगा, बल्कि सरस्वती। अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम सरस्वती अस्ति, इस प्रश्न का समीचीन उत्तर क्या है मित्रों, सरस्वती है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रवेशाय पदे का विभक्ति अस्ति, प्रवेशाय पद में कौन सी विभक्ति है। तो मैंने आपको बताया था आह, आम, एन, आय, आत, अस, ए, ए, हे अ, हे मान लीजिए संबोधन में। तो मित्रों देखें, आह अम एन आय आत अस्य ए, 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 आह अम एन आय आत अस्य ए। तो मित्रों, ये पुल्लिंग के लिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए आपका ये महामंत्र है, इसको आप रट डालिए। ज्यादातर मित्रों, आपको बता दूं, जो सीटेट के पद्यखंड और गद्यखंड में आपसे विभक्तियां पूछा जाता है वो पुल्लिंग शब्दों से ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो प्रवेशाय पदे का विभक्ति ही अस्ति,
आय आय आया है प्रवेशाय गृहाय धर्माय नंदाय गोपाय। हाँ तो तस्मिन सर्वे सर्वाणि पदे इन सभी पदों में कौन विभक्ति है मित्रों? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो द्वितीया तृतीया और पंचमी नहीं है। अगला प्रश्न है मित्रों, कौमुदीन शब्दस्य पर्यायः अस्ति। कौमुदीन, ये कौमुदी जो है, कौमुद भगवान विष्णु की गदा है, लेकिन कौमुदीन माने होता है चांदनी, चांदनी चंद्रमा में जो चांदनी होती है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना नाम इसका है। तो मित्रों इस पद में देखिए आया है विकल्प में आपके ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी। तो चांदनी शब्द यहां पर अर्थ है जो चंद्रमा में जो किरणों की जो उज्ज्वलता होती है, शुभ्रता होती है, वही शुभ्रता ही क्या है? चांदनी है। तो कौमुदीन शब्दस्य पर्यायः अस्ति ज्योत्सना। अगला प्रश्न है मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदीन ग्रंथे कस्य वंदना प्रकारः अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार के वंदना का प्रकार का वर्णन किया गया है, यानी किस प्रकार की वंदना की गई है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, वंदना के तीन प्रकार है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक का मतलब जो है अपने ग्रंथ की रचना करने से पहले कवि के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है देवी देवताओं का, तो उससे संबंधित वंदना की जाती है, इसलिए आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक का मतलब नमस्कारात्मक प्रणाम करके, प्रणाम हम इसलिए करते हैं कि उनके आशीर्वचन से मेरा ग्रंथ जो रचित होगा यह संसार में पुण्य रूपेण फलदायी हो, सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, इसलिए जो है वंदना की जाती है। और वस्तु निर्देशात्मक का मतलब वस्तु का निर्देश करना, हेतुअर्थ निर्देश करना, जिस हेतु से, जिस कारण से, जिस प्रयोजन से वंदना की जाती है, या जिस प्रयोजन को उद्देश्य मान करके वंदना की जाती है, वह हमारा वस्तु निर्देशात्मक। तो मित्रों इसमें लघु सिद्धांत कौमुदीन ग्रंथे नमस्कारात्मक वंदना अस्ति, नमस्कारात्मक वंदना है। ध्यान दीजिएगा, नमस्कारात्मक नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? सरस्वती देवी को नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है? लघु सिद्धांत कौमुदीम पाणि प्रवेशाय, पाणिनीय ग्रंथे अष्टाध्यायी प्रवेशाय, पाणिनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए, उनमें स्थान प्राप्त करने के लिए मैं सरस्वती देवी। कैसी सरस्वती देवी है? शुद्ध गुणों से युक्त जो सरस्वती माता है, उनमें सरस्वती माता की वंदना करता हूं, उनको नमस्कार करके मैं प्रवेश करना चाहता हूं। अगला प्रश्न है मित्रों, करोम्यहम पदे कह संधि अस्ति। करोम्यहम, करोमि धन अहम, करोमि, ये देखिए मित्रों यहां पर निर्देशित करने रहा हूं, करोमि धन अहम, करोमि धन अहम, मा में ई है, उसके बाद अ आया है, तो यहां पर ई का स्थान है यण स्यात्, ई के स्थान पर यण हो जाएगा, यण का यह वारा ल, तो यह आदेश होगा, ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर ली के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। ई का स्थान है यण स्यात् संहिताया विषय सदैव वास्य इति स्थिति इत्यस्मिन् सूत्रेण, ई को यण इत्यस्मिन् सूत्रेण, अस्मिन् स्थाने ई स्थाने यह आदेश होगा। मित्रों यहां पर हमारी यण संज्ञा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका क्या है? सेमी बाबेल है, यह और वह आपका सेमी बाबेल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सुपर टेट और टेट में वैसे ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन मित्रों इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इस समय प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से जो है प्रश्न पेपर में आ रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप एक एक पदों के विषय में जानते रहे। तो मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि होगा, यण संधि नहीं होती है मित्रों, बल्कि यण स्वर संधि होती है। ये स्वर संधि के भेद है ना, इसलिए मित्रों यहां पर क्या होगा? यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है मित्रों, शुद्धाम गुणयाम इति दो पदों कस्य विशेषण अस्ति। ये दोनों पद किसके विशेषण है?
किसके विशेषण हैं ये दोनों पद? तो मित्रों सुधाम गुणयाम शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी नत्वाम, सरस्वती देवी को नमस्कार करके इसका उत्तर है सरस्वती देवी करोम्यहम नहीं है, नत्वाम नहीं है, कमपि नहीं, किमपि नहीं है। आप ये न समझें कि सुधाम गुणयाम के पहले जो आया है वही विशेषण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा विशेषण किसका है? सरस्वतीम देवीम का, देख जबकि सरस्वतीम देवीम के बाद में सुद्धाम गुड़िया में आया है, तो आप ये ना समझें कि विशेषण हमेशा पहले ही होता है, इसलिए सरस्वतीम देवीम का विशेषण है। अगला प्रश्न है मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदीम कस्य आधारित ग्रंथ अस्ते, किस पर आधारित ग्रंथ है? अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ की रचना की गई, ये लगभग 4000 में 4 कम लगभग सूत्र हैं, यानी 3996 सूत्र है मित्रों इसमें, इसी से आधारित यह हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ रचित किया गया है। तो मित्रों आज के वीडियो में मैंने आपको इस प्रकार का पद्यखंड इसलिए दिया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है किस प्रकार के पद्यखंड आपको दिए जा सकते हैं। देखिए मित्रों मैं आपको बता दूं, हमारे चंद्रा इंस्टीट्यूट का ये विलक्षण प्रभाव है कि यहां पर एक विद्वत मंडली स्थापित की गई है, विद्वानों की सभा होती है, उसमें जिन प्रश्नों को विशेष रूप से चयनित किया जाता है मित्रों, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग यहां पर प्रैक्टिस कराते हैं, तो हमारा तो विशेष योगदान उसमें है ही, लेकिन हमारे जो है उन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है, विशेषज्ञों का योगदान है, जिनके द्वारा शोधित करके विचार करके ये पद्यखंड और गद्यखंड या जो भी आपके YouTube पर या लाइव क्लास पर दिए जाते हैं सब शोधित जो है प्रश्न ही दिए जाते हैं। तो मित्रों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और आपके सीटेट की परीक्षा के लिए मैं ईश्वर से बार बार कामना करता हूं कि आप लोगों को अवश्य सफलता देंगे। और मित्रों एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, टारगेट बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने मित्रों को भी बता दें, अगर जो हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं तो वह तुरंत जुड़ें, और 7 जुलाई को जो होने वाली आपकी सीटेट की परीक्षा है उसके पहले आपका पूरा कोर्स पूरा कर दिया जाएगा, केवल 1051 रुपये फीस है, कुछ नहीं होता है मित्रों। सफलता मिल गई तो धन वगैरह की कुछ भी परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप तुरंत ज्वाइन करें। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।